गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इटारली जोन। गाइस आज की जो अपडेट है वो है दोस्तों एचडीएफसी बैंक की तरफ से। जी हां गाइस, एचडीएफसी बैंक में काफी अलग अलग पदों पर नई भर्तियों का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये जो भर्ती है 2024 की लेटेस्ट वैकेंसी है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आप लोग डायरेक्ट एक इंटरव्यू के माध्यम से ही दोस्तों जो है एचडीएफसी बैंक में काम कर पाओगे। दूसरी बात ये है कि आपको आपके नियरेस्ट में ही लोकेशन पे काम करना रहेगा। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं या आप हरियाणा से और आपने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है और आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, इसके सभी जो है क्वालिफाई कर जाते हो, आपको आपके नियरेस्ट लोकेशन पे ही काम करना रहेगा। ध्यान रखें इसमें जो वैकेंसी है बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि 20,000 प्लस इसके अंदर जो है वैकेंसी इस बार जारी की गई है। बहुत ही अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 12 पास होने वाली है। जी हाँ गाइस, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12 और ये जॉब जो है परमानेंट भी होने वाली है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे बिल्कुल भी नहीं है। सैलरी के साथ साथ जो आपको बेनिफिट मिलेंगे वो सभी आपको बैंक की तरफ से मिल जाएंगे। तो अगर गाइस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि कौन कौन से पदों पर कितनी जो है वैकेंसी जारी की गई है और कैसे आपको इसमें जॉब मिलेगी और आवेदन भी आपको कैसे करना है, पूरा प्रोसेस आप फुल वीडियो में देखिएगा, उसके बाद जो है आप इसमें आवेदन कीजिएगा। ध्यान रखें कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है और डिटेल्स आपको बारीकी से देखनी है क्योंकि लाइव ग्रुप में आपको फॉर्म भी फिलअप करके बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर नए हैं तो आप सबको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप ऐसी और भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल पर जैसे हम कोई भी नई जॉब की वीडियो पोस्ट करेंगे नोटिफिकेशन जॉब तक पहुंच सकेगा और आप जो है कोई भी अपॉर्चुनिटी का नोटिफिकेशन मिस आउट ना कर सकेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके और भी डिटेल्स की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पर आप लोग एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं और आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की तरफ से ये जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है ये आपको बारीकी से देखनी है। बहुत सारे कैंडिडेट बाद में कमेंट करते हैं तो कमेंट करने से पहले आप प्रॉपर 5 से 10 मिनट की वीडियो होती है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिएगा। गाइस जैसा कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की ही तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जॉब जो है बिल्कुल फ्री है, आपको पैसे वगैरह नहीं किसी को पे करनी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकेगा। तो ऑल ओवर इंडिया सभी स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं, मेल एंड फीमेल दोनों लोगों के लिए ही वैकेंसी इसमें जारी की गई है। और एज क्राइटेरिया जो आप सभी का इसमें होने वाला है वो अलग अलग है। मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम जो है वो आप लोग अपने नोटिफिकेशन में अलग अलग पोस्ट वाइज चेकआउट कर पाएंगे गाइस, क्योंकि सभी पोस्टों की अलग अलग एज क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम आपकी होनी चाहिए 12th पास। जी हाँ गाइस, अगर आप 12th पास हैं या आप ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट लाइक BA BSc इनमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आपने बैंकिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी आप लोग जो है इसमें काफी आसानी से जॉब कर पाएंगे। सेकंड हम बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की, तो सैलरी इसमें बहुत ही अलग अलग आपको मिलेगी। हर एक जो डिपार्टमेंट की आपकी सैलरी अलग रहेगी। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम मेंशन किया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मिनिमम जो सैलरी है 1.5 लाख से लेकर 20 लाख पर एनम तक आपको जो है डिफरेंट पोस्ट वाइज देखने को मिल जाएगी। आप लोग जिस पोस्ट में अप्लाई करेंगे वहां पर अपनी पोस्ट वाइज ही सैलरी चेकअप कर सकेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा वो अलग अलग प्रकार से होगा। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिक ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि हर एक वैकेंसी में चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट सभी में दोस्तों इसी प्रकार से ज्यादातर होता है। जैसे कि सेकंड जो स्टेप, अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन आपका रिसीव्ड हो जाता है तो गाइस आपके जो है यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होगा और आपका उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। फाइनल बाद में है जो आपको ज्वाइनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। सेकंड अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो 100% फ्री है, आपको पैसे नहीं किसी को भी पे करने हैं। इफ यू आर पे योर रेस्पॉन्सिबल। अप्लाई करने का जो माध्यम है गाइस वो ऑनलाइन ही, आप लोग इसमें ऑनलाइन ही आवेदन कर पाओगे। ध्यान रखें ऑफलाइन आप लोग बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाओगे। आवेदन करने के लिए आपको सभी स्टेप फॉलो करने रहेंगे। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर विजिट कर लेना है, वहां पर आपको कैरियर को पढ़ लेना है। वेबसाइट पर विजिट करने के बाद जिस भी पोस्ट में आप लीजर हो उसको अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़िएगा। सभी क्राइटेरिया देखने के बाद ही जो है आप इसमें आवेदन कीजिएगा। और आवेदन करते वक्त ध्यान रखें कोई भी जानकारी गलत ना फिल करें, सही तरीके से फॉर्म फिलअप करें, फाइनल सबमिट तभी करें, पहले चेकआउट भी कर लें उसको और उसका एक प्रिंट आउट दोस्तों अवश्य डाउनलोड कर लें। अप्लाई करने के लिए जैसा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दी है, वहां से जो है आप लोग अप्लाई लिंक के माध्यम से जो है डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है एक्सेस कर सकोगे। जैसे ही गाइस आप लोग अप्लाई लिंक पर टैप करोगे ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे साथ से जॉब का और डिपार्टमेंट का, लोकेशन का, सिलेक्ट जितना भी आपको एक्सपीरियंस वगैरह है और किस टाइप के आप एम्प्लॉई है, फाइनल यहाँ से मैनुअली भी सर्च कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो तो डायरेक्ट भी आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और आपको यहाँ पर करंट पोस्ट देखने को मिल जाएंगी जो कि गाइस 25,991 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। अवेलेबल पहली जो पोस्ट है सीनियर इनिशिएटिव सेल्स ऑफिसर्स की है, ये जो लोकेशन है बुलंदशहर पे जारी की गई है और ये जो गाइस उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, तो जो भी यूपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने ही स्टेट के अंदर काम कर सकोगे। और ये जो पोस्ट है गाइस 8 मार्च को ही पोस्टेड की गई है। ध्यान रखें यहाँ पर आपको अपनी डेट वगैरह भी ध्यान से देख लेनी है। मान के चलिए बहुत सारे कैंडिडेट अगर एक साल बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने यहाँ पर जैसे वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो अपनी ये पोस्ट डेट भी चेकआउट कर लें। जो भी ट्रेंड पे चल रही हो उसी पोस्ट में आप लोग अप्लाई करें। ध्यान रखें मिनिमम 4 मंथ से अगर हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 4 मंथ के बाद वाली पोस्ट में बिल्कुल भी अप्लाई मत करें। नेक्स्ट पोस्ट है रिटेल ब्रांच बैंकिंग की है। करंट अकाउंट सेल्स से रिलेटेड जो वर्क रहेगा वो दोस्तों मल्टीपल लोकेशंस के लिए वैकेंसी जारी की गई है। बहुत बार मैं वीडियो
मैं लिख देता हूँ मल्टीपल लोकेशंस इन पैन इंडिया, तो इसका मतलब यही होता है गाइस कि HDFC बैंक की जितने भी ब्रांच हैं उनमें अलग अलग लोकेशंस के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। जहाँ पर भी वैकेंट सीट होगी और आपके नियरेस्ट में पड़ रही होगी ब्रांच, वहीं पर आपको जॉब करने का मौका देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से हर एक वैकेंसी में रहता है सिंपल। आप लोग यहाँ पर ये भी देख पाएंगे एम्प्लॉय टाइप जो कि परमानेंट आपकी वैकेंसी है, कोई दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं होने वाली है। इसी प्रकार से आप लोग अपनी वन बाय वन करके यहाँ पर देख सकते हैं और जो भी आपके जिसमें भी पोस्ट में आप एलिजिबल हों उसमें ही अप्लाई करें अपने क्वालिफिकेशन वाइज, और नेक्स्ट करने के लिए आप लोग यहाँ से नेक्स्ट भी कर पाओगे। ये सभी पेज आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से वन बाय वन करके नेक्स्ट भी कर सकोगे। तो सिंपल मैं आप सभी को एक पोस्ट में अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ, उसी बेस पे आप जो है नेक्स्ट पोस्ट में अपने अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों मैं सेल्स डिपार्टमेंट की ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस पर टैप किया, टैप कर पेज लोडिंग लेगा। ध्यान रखें आप लोग अपने डेस्कटॉप साइड में ही अपने ऐसा ओपन करिए साइट को। यहाँ सबसे पहले आपकी पोस्ट का नाम देखने को मिल जाएगा और ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन से वैकेंसी जारी की गई है। एम्प्लॉय टाइप भी यहाँ पर फिर से दोबारा से दिया गया है और नीचे की तरफ जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन है। सभी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फाइनल जब आप एलिजिबल हो तभी इस पोस्ट में अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर दिस जॉब, यहीं से जो है आप सभी कैंडिडेट अप्लाई दोस्तों कर पाओगे। और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग सेंड भी सकोगे। कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह है इसमें अप्लाई करने में कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी समझ में है तो आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिएगा। सिंपल मैंने आपको लाइव प्रोफेशन में बता दिया है कि आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हो और कैसे यहाँ पर आपको विजिट करना है। सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ही कर दी है, वहीं से आप लोग इस पर विजिट कर पाओगे। डायरेक्ट मैंने इसी की ही लिंक मेंशन कर दिया ताकि आपको सर्च वगैरह भी अलग से ना करना पड़े। आपको सभी पोस्टें दिख रही होंगी उसी प्रकार से वन बाय वन करके आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखें मिनिमम आपको 10 से 15+ पोस्टों पर ही अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि आपको एक में भी अप्लाई करें। एक में कभी भी मत अप्लाई करें क्योंकि एक पोस्ट में अप्लाई करने से आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांस बहुत कम रहते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं कि गाइस कि मैं आपको जॉब के बारे में अपडेट शेयर कर रहा हूँ कि मैं आपकी जॉब लगवा दूँ। इसमें जब आप सभी क्वालिफाई कर जाते हो तभी आपको जॉब मिलेगी। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि फेक है वो है, तो आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, यहीं से आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। कोई भी जॉब वगैरह झूठी नहीं है, सभी जॉब्स ऑथेंटिक होती हैं जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। जो गाइस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी जो मैंने आप सभी को बता दी है वन बाय वन करके कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, कौन कौन से पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। कुछ भी डाउट है तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। और हाँ, वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो नई जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।